हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं कान्हा जी के वस्त्र। तो अक्षय तृतीया से लेकर रथ यात्रा तक हम ठाकुर जी को चंदन के छापे हुए वस्त्र पहनाते हैं, या हम ऐसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ये हमने एक पटका बनाया है यहाँ पर कान्हा जी के लिए, और भी आप अलग अलग डिज़ाइंस ऐसे बना सकते हो। ये सब चंदन से बने होते हैं, आप इन्हें डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर कुछ ब्लॉक प्रिंट्स आते हैं आप उनसे भी बना सकते हो। या मैंने ये सारा कुछ हाथ से किया है। आज मैं आपको एक ऐसा वस्त्र बनाकर दिखाती हूँ चंदन के डिज़ाइनिंग से। तो उसके लिए हमें चाहिए एक कॉटन का वाइट कपड़ा, ऐसे आप उसे शेप में कट कर लीजिए जिस शेप में आपको बनाना है। और हमें उसके लिए चाहिए होगा चंदन, तो आप कोई भी चंदन ले सकते हैं। मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के चंदन अवेलेबल हैं। इसके आप ऐसे टुकड़े करके इसको पानी में भिगो दें तो कुछ ऐसा एक चंदन तैयार हो जाएगा। और भी चंदन आते हैं, ये है गोपी चंदन, ये थोड़े हल्के रंग का होता है। इसको भी आप पानी में मिलाएं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसका कलर कुछ इस तरीके से आता है, ये वाला। एक ये चंदन आता है अष्टगंध चंदन, तो ये थोड़ा डार्क कलर का होता है, आप इससे भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। उसका कलर कुछ ऐसा आता है। मैं आपको दोनों तरीके से बनाकर दिखाती हूँ। तो हम पहले बना रहे हैं कान्हा जी का पटका, जो कि हम हल्के रंग से बना रहे हैं। ये चंदन ही है दोनों, तो मैंने यहाँ तैयार करके रखा है दोनों को। आप सब जानते हैं कि अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा शुरू होती है, और उसमें हम कान्हा जी को चंदन का ही श्रृंगार करते हैं, और बहुत हल्के हम उनको वस्त्र भी पहनाते हैं और श्रृंगार भी। तो उसके लिए हम ऐसे चंदन के छापे हुए वस्त्र बनाकर उन्हें पहना सकते हैं। और मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम कान्हा जी का चंदन से श्रृंगार कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि हम वस्त्र कैसे बनाएंगे चंदन से। आप ऐसे पहले एक बॉर्डर बना लीजिए, आप अपने हिसाब से, अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से आप अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बॉर्डर दे रही हूँ पहले हल्के रंग का चंदन से। चंदन यात्रा या चंदन महोत्सव 21 दिन तक चलता है अक्षय तृतीया से, तो उसमें हम चंदन का श्रृंगार करते हैं, चंदन के ही वस्त्र पहनाते हैं, ताकि कान्हा जी को थोड़ी उसमें ठंडक मिलती है। चंदन ठंडा होता है तो उनको ठंडक मिलती है इससे। आप ऐसे अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप हाथ से बनाएं या आप वो ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो। चंदन भी आप जो यूज़ करना चाहें आप वो कर सकते हैं। एक लिक्विड फॉर्म में आता है जिसमें आपको पानी नहीं डालना पड़ता, वो बिल्कुल रेडी होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये गोपी चंदन यूज़ कर रही हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको तैयार कर लिया है। ये देखिए, एक तरफ से पटका तैयार हो गया है। ऐसा ही सेम डिज़ाइन आप दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, सेम डिज़ाइन आप इस तरफ बना लें। इसी में मैं थोड़ा सा ये डार्क कलर वाला चंदन भी यूज़ कर रही हूँ, लाल वाला, ताकि थोड़ा उसमें सुंदर लगे, थोड़ा ब्राइट लगे। ये देखिए, ये मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला बनाया है। ये एक दूसरा हम बना रहे हैं कान्हा जी के लिए बिछाने के लिए, ये हम बना रहे हैं। और ये मैंने अष्टगंध चंदन से बनाया है, जो कि थोड़ा लाल रंग का चंदन है।
ये हमारे दोनों तरीके के वस्त्र यहाँ रेडी हो गए हैं। ये सब चंदन से ही बनाया है हमने। आप अपने हिसाब से अपने डिज़ाइंस रेडी कर सकते हैं।